हे फ्रेंड्स ऑफ सलाम खुशामदी, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ ना कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं उठ चुकी थी एंड मॉर्निंग का टाइम हो गया है एंड ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। तो अभी ना स्टार्ट करते हैं आज का न्यू डेली रूटीन व्लॉग एंड अपना जो जो कुछ स्पेशल करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं बना रही थी केक, ये ना चोको लावा की केक मैंने ना डॉक्टर ओट करके लेके आई थी। अभी ना मेरा बड़ा मूड कर गया ना कुछ मीठा खाने का, तो मैंने सोचा ना ये ट्राई करते हैं। इनके अंदर ही ना ये मुझे 6 कप्स निकले हैं, एक मेजरिंग कप भी निकला है एंड उसके साथ साथ इसमें ना चॉकलेट का पाउडर होगा जो भी कप केक का, एंड इसमें निकला ना फ्रेंड्स चॉकलेट फज जो ना बड़ा सॉफ्ट सा मैं केक को बनाता है। यहाँ ना मैंने पानी ले लिया है एंड यहाँ पर ना जितना मेजरिंग अमाउंट बटर लिखा हुआ था वो मैंने मेल्ट करके ले लिया है जैसे कि उसमें लिखा था। एंड अभी ना इस सब को मैं जल्दी से मिक्स करती हूँ ना एंड अपने कप केक मोल्ड्स में रखते हैं। ओवन मैंने प्री हीट पर लगा दिया है एंड जल्दी से ना यम्मी से अपने लावा केक तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से ना देखिए सब पाउडर निकला है केक का एंड अभी ना फज को खोलते हैं, फज डालते हैं। इसमें ना फ्रेंड लिखा हुआ था अगर फज आपका जम गया है ना तो आपको थोड़ी देर को इसको वार्म वाटर में डालना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ा आराम से निकल रहा है ना। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर बटर के साथ इस सबको मिक्स करना है। वैसे मैं सोच रही ना शायद इस फज को हमें बीच में डालना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा आइटम एक साथ ही मिक्स करना है हमें। तो फ्रेंड्स, अभी ना इसमें ये बटर दिया हुआ था मैंने तो वो ऐड कर दूँगा, मुझे सबको ना मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है ये देखिए, एंड साथ ही साथ ना मैंने सारे जितने भी मोल्ड थे ना ये उनको मैंने इसमें ना बटर से ग्रीस कर दिया जैसा ना इसमें लिखा हुआ था, वो भी हो गया। ना बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ ना कि ऐसा लावा केक बन जाए बस मेरा। तो अब ना इसको सब में फिल करता हूँ, फिर जाके ना देखते हैं कि माइक्रोवेव अब तक ना शायद प्री हीट हो गया होगा, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ना सारे लावा केक हैं और रेडी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इनको ना डोम में रेस्ट करना है, फिर ना अब क्या करने पहले टेस्ट कराती हूँ एंड फिर ना पूछती हूँ कि कैसे हैं। सही बना बताओ, बढ़िया बना लावा नहीं है वो, पता नहीं सूख गया वो, ज़्यादा पका दिया बनने, लेकिन वैसे सही बने। तो फ्रेंड्स, रवि के ना अभी मैंने बनाई थी पास्ता एंड वो पी रहा था अपनी लस्सी। रवि, हाउ आर यू बेबी, हाउ आर यू बेबी, रवि रवि अपना ना खेलने में बिजी है, बहुत बहुत शैतानी करना पड़ती है उसको। हाँ रवि, क्या मौज। तो फ्रेंड्स, आज लंच टाइम में ना हम खा रहे हैं हक्का नूडल्स, माय फेवरेट। सो फ्रेंड्स, अभी ना हो गया है इवनिंग का टाइम एंड अभी ना रवि को मैंने रेडी कर दिया, हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि कल ना डैड चला जाएगा वर्क पे। चलो चलो चलो, हाँ बनी रेडी हो गई, चलो चलो बेबी गर्ल, चितंगी जा रही, चलो उठाओ फिर। सो फ्रेंड्स, अमीना हम लोग जा रहे थे बाहर, तो अमीना चलते हैं। आज ना डिनर बनाने का मेरा प्लान नहीं है, जबकि की वाटर बॉटल ले लिए, पर्स चाहिए, तो अब जल्दी से चलते हैं, तैयार ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अमीना मैंने यहाँ से गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी थी लापिनो से, ये रहा हमारा लापिनो। अभी ना यहाँ कंस्ट्रक्शन का भी वर्क चल रहा है, हम तो वेट कर रहे हैं, चलते ये है लापिनो। तो यहाँ से डाल कर ले लिए, अब चलते हैं।
इसे खिला। नींबू आ गए। जेवु मजा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग आए थे एक न्यू आइसक्रीम शॉप पे। यहाँ पर ना डुअल फ्लेवर सॉफ्टी मिलती है, वही बचपन वाली, तो आज ना वो हम ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही था ना आज का व्लॉग। आज ना मैंने कुछ ज़्यादा अपना शेड्यूल रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि बस जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट या कुछ अच्छा पार्ट था वो रिकॉर्ड करा, क्योंकि आज बाकी टाइम ना मैंने क्लीनिंग करी है एंड उसके साथ साथ कलेक्टर वर्क भी चला जाएगा, तो थोड़ा और भी काम रहता है उसकी पैकिंग वगैरह करके। तो अब मैं ना कल चली जाऊँगी अपने घर पर, तो वहाँ से ना आपसे पूरा जो रूटीन वहाँ का होगा वो शेयर करूँगी एंड आप सभी मस्जिद से भी मिल पाओगे। तो बस यही था व्लॉग। तो अब ना व्लॉग्स पर ऐसे बने रहेगा, क्योंकि ना जल्दी जल्दी अब मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।